नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। गुजरात तापी भारत सरकार के माननीय मंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा 20 वर्ष पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ भारत और गुजरात की शिक्षा को विकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और आज तक बहुत नई नई योजनाएं लाकर बहुत नए नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में और विकास कार्यक्रमों से लेकर आज विकास की दिशा में काफी प्रगति हुई है। आज के कार्यक्रम में माननीय मंत्री कुंवरजी भाई हलपति ने शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए सभी को धन्यवाद दिया। सरकार की जिम्मेदारी, शिक्षक की जिम्मेदारी, माता पिता की जिम्मेदारी और समाज की जिम्मेदारी है। समाज की भी जिम्मेदारी है सपनों और विचारों को साकार बनाने और उन्हें सफल बनाने के लिए समाज के सभी क्षेत्रों में सही प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए आज हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है। गुजरात सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के बावजूद आज भी हजारों स्कूल और आंगनबाड़ियां जर्जर हैं और उनमें अभी भी निर्माण सुविधाएं नहीं है। इसलिए आज भी गुजरात सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में आधुनिकता को अपनाकर समुचित विकास की ओर ले जाना आवश्यक है। गुजरात सरकार द्वारा पूरे गुजरात और तापी जिले में स्कूल प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। आज 28/6/2024 को भी इस सप्ताह को विद्यालय प्रवेश उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत के रूप में आज तापी जिले में पूरे जिले में मंत्री, विधायक, अधिकारी, विभिन्न भाजपा संगठन कार्यकर्ता, कार्यालय अधिकारी, हिंदू धर्म के शाश्वत प्रेमी, साधु संत जो समाज की मदद करते हैं, सप्ताह विद्यालय प्रवेश उत्सव मनाया जाता है, व्यापारियों के द्वारा मनाया जा रहा है। आज सोनगढ़ तालुका के सिंहपुरवाड़ी और पूरे क्षेत्र में माननीय गुजरात सरकार के मंत्री कुंवरजी भाई हलपति के द्वारा स्कूल प्रवेश उत्सव बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से मनाया गया। भवन भाजपा सरकार और क्षेत्र द्वारा प्रदान किया गया सभी विकास कार्यों से जोड़ा जा रहा है। आज के कार्यक्रम में माननीय आर्यती विकास मंत्री कुंवरजी भाई हलपति व उनके अधिकारीगण एवं सोनगढ़ तालुक के विकास अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, शिक्षकगण, सरपंच एवं संस्था के कार्यकर्ता एवं सिद्धपुर के सरपंच एवं आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं अभिभावक मौजूद थे। जगत न्यूज 24 गुजरात तापी सोनगढ़ से गणेश गुर्जर की रिपोर्ट। जो मिली रही है 20 वर्ष पहला कन्या केरवणी शाला प्रवेश ની શરૂઆત કરવામાં આવી। આજે 20 વર્ષ પછી જોઈએ છે તો દીકરાઓ કરતાં આ દીકરી ભણવામાં ખૂબ આગળ હોય છે। ડ્રોપઆઉટ રેશિયો પણ ઘટ્યો છે અને એના કારણે ગુજરાત આખું પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે, બદલાઈ રહ્યું છે। હું ચોક્કસપણે કહી શકું છું ગુજરાતના મધુ અને મક્કમ સ્વભાવના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ નરેન્દ્રભાઈ મોદીના પગલે ચાલી રહ્યા હોય ને અવિરત આ શિક્ષણ કાર્યોમાં એ સાથ અને સહકાર આપે છે। આજે આપણે જોયું તો 2 જેટલી નવી યોજના મંજૂર કરી છે બાળકોને માટે, નવી મંજૂરી કરી છે તેમાં નમો લક્ષ્મી અને બીજી છે નમો સરસ્વતી સાધના વિજ્ઞાન યોજના। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।